पक्षियों के कारण लड़ा गया युद्ध। चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच लड़ा गया एक ऐसा युद्ध जो पक्षियों के कारण हुआ था। दोस्तों, आपने अभी तक दो देशों के बीच कई कारणों से युद्ध होते हुए देखे होंगे, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच जमीनी विवाद या आतंकवाद को लेकर कई बार युद्ध हो चुका है। कई बार जमीनों के लिए, कभी पानी के लिए तो कभी तेल के लिए, अक्सर ही कई मुल्कों के बीच युद्ध होते रहते हैं। लेकिन आज हम आपको ऐसे युद्ध के बारे में बताने जा रहे हैं जो दो देशों के बीच पक्षियों को लेकर हुआ था। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मीरा और आप देख रहे हैं साइंस मैनिक। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल आइकन भी ऑन करें ताकि हमारी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। यह युद्ध चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच लड़ा गया था। इसे द ग्रेट एमयू वॉर के नाम से भी जाना जाता है। ये युद्ध 2 नवंबर 1932 से 10 दिसंबर 1932 के बीच लड़ा गया था, जिसे महान एमयू युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। यह एक वन्यजीव प्रबंध सैन्य अभियान था जो 1932 के उत्तरार्ध में ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद युद्ध में सेवा करने वाली बड़ी संख्या में सेवा मुक्त दिग्गजों को ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के भीतर खेती करने के लिए जमीन दी गई थी। 1929 में महामंदी की शुरुआत के बाद इन किसानों को अपनी गेहूं की फसल बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सरकार ने सब्सिडी के रूप में सहायता देने का वादा किया और फिर देने में विफल रही। सिफारिशों और वादा किए गए सब्सिडी के बावजूद गेहूं की कीमतों में गिरावट जारी रही और अक्टूबर 1932 तक मामला गंभीर होता गया। साथ ही किसानों ने मौसम की फसल काटने की तैयारी की और साथ ही साथ गेहूं देने से इनकार करने की धमकी भी दी। करीब 20,000 इरमों के आने के बाद किसानों की मुश्किल और बढ़ गई। इरमों अपने प्रजनन काल के बाद नियमित रूप से प्रवास करते हैं, अंतर्देशीय क्षेत्रों के तट की ओर बढ़ते हैं। पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई किसानों द्वारा साफ की गई भूमि और अतिरिक्त पानी की आपूर्ति पशुधन के लिए उपलब्ध कराई जाने के साथ साथ इरमियों ने पाया कि खेती की भूमि अच्छा निवास स्थान थी और वे कृषि क्षेत्र में प्रवेश करने लगे। इन एमयू ने फसलों को खा लिया और खराब कर दिया और बाद में बड़े अंतराल छोड़ दिए जहां खरगोश प्रवेश कर सकते थे और आगे की समस्याएं पैदा कर सकते थे। किसानों ने अपनी फसल को बर्बाद करने वाले पक्षियों के बारे में अपनी चिंता के चलते पूर्व सैनिकों के एक प्रतिनिधि मंडल को रक्षा मंत्री सर जॉर्ज पियर से मिलने के लिए भेजा। प्रथम विश्व युद्ध में सेवा करने के बाद सैनिक बसने वाली मशीन गनों की प्रभावशीलता से अच्छी तरह वाकिफ थे और उन्होंने अपनी तैनाती का अनुरोध किया। मंत्री ने आसानी से सहमति दे दी, हालांकि संलग्न शर्तों के साथ सैन्य कर्मियों द्वारा बंदूकों का उपयोग किया जाना था। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा सैन्य परिवहन को वित्त पोषित किया जाना था और किसान गोला बारूद के लिए भोजन, आवास और भुगतान प्रदान करने वाले थे। पक्षियों के खिलाफ यह पहला युद्ध था जो ऑस्ट्रेलिया वालों ने छेड़ा था। ऑस्ट्रेलिया वाले मानते थे कि एमू पक्षी उनकी फलों को खराब करता है, जिससे वहां के किसानों को काफी नुकसान होता है और देश के प्रोडक्शन पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो एमू पक्षी को मार गिराएंगे। इसकी आधिकारिक घोषणा हुई और ऑस्ट्रेलिया ने जंग का ऐलान कर दिया। लड़ाई शुरू हुई। ऑस्ट्रेलिया ने सेना लगाई, लेकिन जैसे ही फौज नजदीक जाती तो एमू पक्षी ग्रुप्स में बट जाते और आर्मी की फायर को बेअसर करते। कई बार तो विभिन्न गुट फौजियों के बीच से ही भाग कर निकल जाते, जिससे फौजियों में ही अफरा तफरी मच जाती थी। कई दिनों के प्रयास के बाद भी ऑस्ट्रेलिया के फौजी कुछ 100 ही एमयू मार पाए थे। जल्दी ही ये न्यूज़ पूरे विश्व में फैलने लगी। सबको दिख रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की फौज कितनी नाकारा है, उनसे एक ना उड़ने वाले पक्षी को भी नहीं मारा जा रहा। ऑस्ट्रेलिया की सरकार में मीटिंग बैठी और उन्होंने कहा कि इससे उनकी फौज का नाम खराब हो रहा है। लोग मजाक बना रहे हैं कि ये कैसी फौज है जिससे एक पक्षी नहीं मर रहा। एमू तो ज्यादा नहीं मरे, लेकिन वो और ज्यादा आक्रामक हो गए और ज्यादा से ज्यादा फसलों को खराब करने लगे। चीन और ऑस्ट्रेलिया की आर्मी इतनी नाकारा साबित हुई कि 10,000 राउंड्स में वो केवल 1,000 ही एमू मार पाए थे और वो भी महीनों में। लेकिन इसमें एमू कम नहीं हुए, बल्कि और अधिक सजग हो गए और फिर एमू ने अपनी जनसंख्या बढ़ानी शुरू कर दी। ऑस्ट्रेलिया की फसलों में फायदे के बजाय और ज्यादा नुकसान होने लगा था।
अंत में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी फौज को रोक दिया और एमओ की जीत हुई। फिर एमओ चौड़े होकर ऑस्ट्रेलिया वालों के खेतों में घुसकर घमासान मचाकर जाया करते थे और ऑस्ट्रेलिया वाले कुछ नहीं कर पाते थे। दिसंबर 1932 तक ये युद्ध की बात काफी दूर दूर तक फैल चुकी थी, जो यूनाइटेड किंगडम तक भी पहुँच गयी थी। अगर हमारे पास इन पक्षियों की गोली ढोने की क्षमता वाला एक सैन्य डिवीजन होता तो यह दुनिया के किसी भी सेना का सामना कर सकता है। वह टैंकों की अभेद्यता के साथ मशीन गनों का सामना भी कर सकते हैं। वे जुलूस की तरह हैं जिन्हें दमदम की गोलियां भी नहीं रोक सकी। 1930 और उसके बाद के दौरान बहिष्करण बाधा बाड़ लगाना एमू को कृषि क्षेत्र से बाहर रखने का एक लोकप्रिय साधन बन गया था। पशुपालकों के सामने आने वाली समस्याओं के बावजूद इस क्षेत्र के किसानों ने एक बार फिर 1934 और 1948 और 1943 में सैन्य सहायता का अनुरोध किया, जिसे केवल सरकार ने ही ठुकरा दिया था। नवंबर 1950 में ह्यूग लेसी ने संधि संसद में एमएस के मुद्दों को उठाया और सैन्य मंत्री योशिया फ्रांसिस से किसानों के उपयोग के लिए सेना से 303 गोला बारूद की मात्रा जारी कराने का आग्रह किया। मंत्री ने गोला बारूद के 500,000 राउंड जारी करने की मंजूरी दी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।